डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आप एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी या कोई सा भी रेलवे का एग्जामिनेशन या सीडीएस या यूपी पुलिस या यूपीएसआई किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनेशन का गणित के जो सेक्शन होता है उसमें पूछा जाता है और वो ये होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक समचतुर्भुज की अगर आप मध्य बिंदु को मिला दें तो एक नई आकृति क्या बन के आएगी। एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो नई आकृति क्या बन के आएगी, चार ऑप्शन के बिन होते हैं, टिक लगाना होता है बस, ठीक है। तो इन सभी को मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपके सामने ये पूरी जानकारी बिल्कुल क्लियर तरीके से है। अब इस सभी बातों को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो। अलग अलग से मतलब देखो निश्चितता कुछ नहीं है, मतलब ये अलग गया फिर ये ऐसे चला गया, तो इसको ये समांतर चतुर्भुज समलंब मत समझ लेना। किसी भी तरह का चतुर्भुज अगर आप और विषम है और उत्तल है, उत्तल से मतलब ये है कि इसके चारों जो कोने हैं वो उभरे हुए हैं, उभरे हुए बाहर की ओर, मतलब ऐसा भी चतुर्भुज तो ऐसा भी बन सकता है इस तरह का भी, ठीक है। इसका कोना अंदर की ओर घुसा हुआ है तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। अवतल चतुर्भुज बोलते हैं, तो अवतल की बात नहीं, किसी भी कॉन्वेक्स इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल कि अगर आप मध्य बिंदुओं को मिला लेते हो, साइड का मध्य बिंदु, ये साइड का मध्य बिंदु, ये साइड का मध्य, जो आकृति बन के आएगी वो निश्चित तौर पर एक समांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है। अब अगला सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के अगर आप मध्य बिंदु को मिलाते हो तो आपके सामने जो आकृति बन के आती है वो दोबारा से एक समांतर चतुर्भुज बन के आ जाती है। किसी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, इसके अगर आप मध्य बिंदु को मिलाते हो तो जो नई आकृति बन के आती है वो दोबारा वो क्या होती है, एक रेक्टेंगल होती है। ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को, इसमें आप बच्चे ज्यादातर पैरेललोग्राम पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनती है उस आकृति का नाम रेक्टेंगल है, और इसी का वाइस वर्सा उल्टा होता है। किसी भी रेक्टेंगल की अगर आप मध्य बिंदु को मिलाओगे तो जो नई आकृति बन के आती है वो सम चतुर्भुज होती है, जो कि यहां लिखा हुआ है, देखते जाइए सबको, ठीक है। एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं अगर आप उसके मध्य बिंदु को मिला देते हो, अक्सर बच्चे यहां पे भी गलती कर देते हैं, बोलते हैं कि यहां पे सम चतुर्भुज पे टिक लगा के आ जाते हैं। वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने पर वर्ग ही बनता है, आपको ये लिखा हुआ है सामने, आप देख लो इसको, ठीक है। एक ट्रेपेजियम एक समलंब चतुर्भुज जिसकी इस प्रकार से बनता है, एक समलंब चतुर्भुज दो भुजाएं, ठीक है, ये समांतर। किसी भी समलंब चतुर्भुज की अगर आप मध्य बिंदु को मिलाते हो तो एक जो नई आकृति बन के आती है, गौर करना इस बात पर, वो होती है कॉन्वेक्स इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल, यानी यही उत्तल विषम चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन 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 अगर आप किसी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाते हो, समद्विबाहु समलंब से मतलब ये हो गया कि ये जो दो ये लाइन तो इसके बराबर पैरेलल है, लेकिन ये लाइन इसके बराबर है। जब इस प्रकार का सब चतुर्भुज बनता है, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बनता है, और इसकी अगर आपने मध्य बिंदु को मिला दिया, जो नई आकृति बन के आती है वो होती है एक रोमबस, एक सम चतुर्भुज, ठीक है, दिख रहा ना ये आपको। अगर आप किसी पतंग पर, काइट पर भी, मैंने देखो ट्रेपेजियम पे भी मैंने एक फुल लेंथ वीडियो डाला हुआ है, 2.5 घंटे के करीब वीडियो है। काइट पे भी मैंने यूट्यूब चैनल पर 1.25 घंटे का वीडियो कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ डाला हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें जाके, ठीक है ना। तो किसी भी काइट के मध्य बिंदु पर, हालांकि ये सवाल अभी बना नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन आप देते हो उसमें, ठीक है ना। तो काइट की अगर मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, अगर आ जाए तो क्या बोलोगे, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के जवाब यहां पे भी गलत हो जाते हैं, वो बोलते हैं रोमबस। जी नहीं, किसी भी काइट के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक रेक्टेंगल बनता है। इस सभी बात को अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया, और यहां से हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन आगे के एग्जामिनेशन में सही हो जाए। चलिए आज के इस वीडियो में मैं इतने रखता हूं। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आई होप आप उनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर।